परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जो ही वो बनाने मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए। एक क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं, परमात्मा ने कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे। एक सिद्ध पुरुष थे, राजा से कहा कि राजा इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने स्वप्न में मुझे मना किया था कि स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। लाल आँख कर ली, राजा डर गया, भाई देखा ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा, जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या अच्छा जी, अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा सारी, टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाती। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो इन्हों कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देवेगा। राजा की नींद हराम होगी, उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर, जैसा नरसी के पास आए थे और वहाँ एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 80 वर्ष की आयु दिखा रहे हों जैसे लीला करें, और कहा राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूँ और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ और मैंने सुना है कि यह मूर्तियाँ बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूँगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखे है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा जी ठीक है, बनाओ, अभी मंगा देता हूँ चंदन की लकड़ियाँ। कहने लगा मुझे कमरे में बंद कर दो, इन जब तक मैं ये मूर्ति ना बन जाऊँ मैं बाहर नहीं निकलूँगा, वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियाँ, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊँगा, चिंता मत करना, और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो कि तुम जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा ने बोला जी ठीक है जैसे आपका। उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया कमरे में, भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई। राजा ने कहा जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई, ये कारीगर बैठे थे वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती हैं, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी, बनवानी हो अवश्य बनवानी है, जी बनवा रहा हूँ, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊँगा, ऐसे ऐसी वैसी मूर्ति थोड़े रखने दूँगा। तो उन्होंने बताया जी कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊँगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे ऐसी कोई बात है, खुलवाओ दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करें, कारीगर दरवाज़ा खोलो, कारीगर दरवाज़ा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, दरवाज़ा तोड़ दो। दरवाज़ा तोड़ दिया, वहाँ कारीगर था ही नहीं, वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह इन्हों के इन्हों रह गए, तिनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वह तिनवा न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब
अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं। तो अन्य कारीगरों ने बताया इसके ऐसे भी लगा दी ना सारे टूट जाएंगे। नाथ जी तो खिसे गया रख दो न्यो की न्यो मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति न्यो की न्यो तो रखी है ठा के। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और उधर से हम उसने मंदिर बनाने से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा पर ये समुंदर बतानी कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। तो सपने में भगवान दिखाई दिए श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। हाँ उससे पहले परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बनाकर, वृद्ध अवस्था में बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बनाकर, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप। राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे सपने में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर समुंदर के पास बनाना जहाँ गहरा समुंदर हो, और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। समुंदर पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है। 3-4-5-6 बार बना लिया मैंने, मेरा तो कोष भी खत्म हो गया, अब कैसे बनाऊं। महात्मा परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुंदर को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। एक दो में घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता है। तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए या खेल सारे मालिक के ही थे, आप बना कृष्ण रूप बनाया और कहा कि इंद्रदमन जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुंदर रोक देगा, आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्रदमन सुता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे, अरे एक महात्मा कल दरबार में आया था और वो बता के गया था कि मैं वहाँ रहता हूँ, लेकर सैनिकों को बॉर्डर गार्डों को अपनी पत्नी को साथ लेकर देखा वो तो बैठे, वो तो इंतज़ार कर रहे थे, माला ले रहे हाथ में, एक लीला कर रहे थे, चरणों में मत्था टेकया और कहा भगवान हम आप समुंदर रोक दो मैं बना दूंगा मंदिर। परमात्मा ने कहा कि एक चबूतरा बना दे, चौरा, चौरा कहते हैं हम यहाँ, चबूतरा कहते हैं। ये समुंदर जिधर से समुंदर उठ कर आता है उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक चौरा बना दे, चबूतरा, वहाँ बैठ कर मैं भजन करूँगा भगवान का। वो तो लीला कर रहे थे भगवान का, तो मंदिर टूटने लग रहा, भगवान ना बचा पा रहा जिसको हम भगवान मानते थे। तो परमात्मा बोले ठीक है, चबूतरा तराश का पत्थर बड़ा बढ़िया वो बना दिया, चबूतरा चौरा बोलते हैं उसको, और वहाँ परमात्मा बैठ के माला लेकर एक वो स्मरणी, ऐसे स्मरणी होती है ये, एक हाथ सारा लेकर बैठ जाते हैं उसको, फावड़ी सी बोल रहे हैं उसको, वो साथ में लेकर बैठ गए। मंदिर बनकर तैयार हो गया कति, और मूर्ति उधर से मालिक ने बनाई दी थी। वह समुंदर एकदम उठा 40 फुट ऊंचा और तूफान का रूप धारण किया, और परमात्मा ने ऐसे कर दिया। अब जहाँ वो था समुद्र वहीं रुक गया, इतना वेग से आ रहा था वो पानी, ऐसा रुक गया जैसे पहाड़ बन जाता है, ना नीचे जावे ना ऊपर ना आगे ना सरके, वहीं खड़ा हो गया। इस जल स्रोत का एक देवता है, उसका नाम समुद्र है, वैसे वरुण नाम है, वरुण के अंतर्गत एक समुद्र नाम का अन्य असिस्टेंट है। तो वो समुद्र आएगा वहाँ पर विपर रूप धारण करके और कहा भगवान मुझे जाने दे आगे, यानी चलने दे मेरे जल को, जो मैंने आज्ञा दी है इसको, जो मैंने आज्ञा दी है इसको, इसको जाने दो जल को आगे। परमात्मा ने कहा क्या करेगा तू आगे जाकर, कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। परमात्मा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इसमें कोई पूजा, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं चलेगी, इसके अंदर कथा करा करेंगे भगवान की, और कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को भ्रमित किया जाता हो, और एक भवन है भगवान का,
या कथा होती है, इसको मत तोड़। तू मंदिर को तोड़ा नहीं करते? तो वो कहने लगा, नहीं मैं अवश्य तोड़ूंगा। परमात्मा बोले, जा फिर तोड़ दे, जा तोड़। कहने लगा, मैं आपकी शक्ति के सामने मैं निष्क्रिय हो गया हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ आप हट जाओ रास्ते से। अक नहीं, अब नहीं हट सकता, मैंने वचन दे रखा है। तू क्यों तोड़ता है इसको? तेरे क्या दुश्मनी है तेरी इसके मंदिर के साथ? तब समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण यो जगन्नाथ श्री राम रूप में था, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मुझे डरा धमकाया था, अग्नि बाण दिखाया था, मेरी इंसल्ट करी थी, उसका बदला लूंगा, इसको खत्म करूंगा, नहीं बनने दूंगा इसका यहाँ पर। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, इसको तो तू तोड़ नहीं सकता, तेरी में हिम्मत है तो तोड़ दे। फिर कहने लगा, जी मुझे कोई विकल्प बताओ, मेरी इज्जत रह जा। कहने लगे, जाके उसकी द्वारका को डुबो ले, वो खाली पत्थर खाली पड़ा है, और यहाँ आसपास भी नहीं आ जाना, एक मील दूर भाग जा यहाँ से, तेरी खैर नहीं, अगर फिर भी तो दोबारा इधर आ गया था। आज प्रमाण है, जगन्नाथ के मंदिर को दास देख कर आया था सिर्फ कुछ भक्तों को साथ लेकर, ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्या। वहाँ पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित वो चौरा स्थान, वो चबूतरा भी है, वहाँ एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसके ऊपर एक मंदिर सा बना रखा है यादगार बनाए रखने के लिए। और उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि यहाँ बैठकर भगवान श्री कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र रोका था, मंदिर वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर समुद्र हो गया वहाँ से। तो उधर से द्वारका को समुद्र ने अपने अंदर समा लिया, उसका खत्म कर दिया द्वारका भी। अपन आत्माओं, ये कथाएं हमने जो रियल ज्ञान था सुना नहीं था, और इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे, हम रंग दिए उस झूठे रंग में। अब सच्चे ज्ञान को सुनते सुनते हमारी जो है ना मन कई बार बगावत करता है, फड़कता है, लेकिन कहाँ तक फड़केगा, आखिर में टेकना पड़ेगा इस मन को, क्योंकि अज्ञान से ये उस रंगा था, तो ज्ञान इसके अंदर अब समा जाएगा, तो ये अपने आप सेट होगा। अब क्या होता है, देखो आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खूब पता है कि आज से 500 हजार वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कितनी छुआछूत थी, हमने देखी खुद। हरिजनों को, छोटी जाति वाले जो मानते थे, इनको मंदिर में तक घुसण भी नहीं दिया करते, बाहर खड़े खड़े ये अपना कोई मांग मूंग लेते, जो लेना देना होता बाहर ही दे दिया करते इनको टुकड़े टाकड़े। इतनी छुआछूत थी, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, केवल पुजारी ही वहाँ जाते थे, या कोई स्वर्ण जाति के ही मंदिर में प्रवेश होते थे। अब आप देखते हो, शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है, उसमें छुआछूत नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया इन धर्म गुरुओं का, वहाँ क्यों नहीं छुआछूत? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है ये दास बताएगा। अब जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी, वो प्राण प्रतिष्ठा का है ना, वो करनी थी। देखा कल हमारी जा रही, हमारी कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल ले और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी, प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था करें पुजारी, अगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे, और परमात्मा वहाँ घूमते थे, उनको पता था ये सुदर है, ब्राह्मणों को पंडितों को पता था कि सुदर है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आवे थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे नमो कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे मंदिर को देख रहे थे, ऐसे खड़े खड़े जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र मंत्र करता नहीं देखता था, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक सुदर खड़ा है गेट पर, परमात्मा को उसने ऐसे हत्था मारा
और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके और कहा सुधर, तुझे शर्म नहीं आती तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जा यहाँ से। तूने अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नू करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर वह लीला खत्म कर दी, वह नो के नो श्री कृष्ण हर खड़े। फिर उन्होंने मांझ धो गंगा जल से शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने कर करा के अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ, उस मुख्य पांडे ने जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोड शुरू हो गया, कोड कोड ही हो गया। चाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुती प्रार्थना, भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके के पांडे, उस महापुरुष के चरण धो के पीले तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी, मेरे पास कोई तरह समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता, उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है, अरे ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं। वो कहने लगे क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी, हर चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। अब परमात्मा बैठे थे वहाँ, घूमया करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा। वो निकट आओ परमात्मा आगे को चल दे, अके नहीं पांडे दूर रहना, हम अछूत हैं, दूर रहना अछूत है। और वो हाथ जोड़े, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ, मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफ़ी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तब बैठ गए एक पत्थर पर। अकबोल क्या कहना चाहते हो, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे कोड लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ, आपके चरण धोकर पीऊँगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले चरण धोण अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने कर पीने से नहीं बनेगी बात, मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा, अब जो कहोगे वही कर लूँगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी, यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सब की यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा, मंजूर है। अकजी मंजूर है कि ठीक है, ले जा चरणामृत। चरणामृत ले गया, बोला 40 दिन नाइए, इसने सुरक्षित रखना, बाल्टी में थोड़ा बहुत डालते रहना, नहाता रहना और इसमें से पीते रहना, 40 दिन में ठीक होगा। कहते तो फिर बीच में क्यों, तुरंत ठीक हो जाते फिर भूल जाए आदमी। तो ये दास उस मंदिर को देख कर आया था, सन 2000 की बात है। कुछ भक्त हमारे साथ थे तो वहाँ एक पांडा था गाइड, हमने उनसे पूछा कि हमने ऐसे ऐसे सुना है कि यहाँ कोई छुआछात नहीं, कि नहीं कोई छुआछात नहीं है, यहाँ पांडा भी पुजारी भी अगर आवश्यक हो और कोई भी आओ यहाँ पर अछूत आओ, कोई सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं खाना। मैं बोला भाई सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, तो इसमें क्यों ऐसा है कि छुआछात नहीं है, कि ये लीला है भगवान की, लीला है जगन्नाथ की। तो बात हुई जगन, ये कोई सरपैर है तुम्हारी बात का, लीला है जगन्नाथ की। दूसरे मंदिरों में जगन्नाथ कहाँ गया, जहाँ तुम किसी ने घोषणे बना दिया करते। फिर मैंने उसे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि ये मंदिर पहले 6 बार टूटा, फिर कैसे बना भाई, ये किसने बनवाया कि लीला है जगन्नाथ की, बता कोई खाक है इनका उत्तर, लीला है जगन्नाथ की। कहने लगे हमने सुना है 2-3 बार टूटा है, 6 बार तो नहीं, 2-3 बार सुना है हमने। मैं फिर किसने बचाया इसको कि लीला है जगन्नाथ की, तेरा सर है जगन्नाथ की लीला, कक्का पता नहीं दुनिया बना दी, मूर्ख बना रखे वहाँ पर।
उसमें मूर्ति रखने का आदेश नहीं था, तुमने मूर्ति रख रखी है। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुंदर गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहां, विपर कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। पांच बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुंदर बहने से। पांच बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुंदर बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। छठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। छठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कहे श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ मैं समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवा दे, जहाँ बैठ राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से इसने रास्ता मांगा, और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम।
इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, परमात्मा ने कहा समुद्र से, श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुंदर बहुर जो आ गया तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ घात। और सुनो समुंदर, जो इधर फिर आ गया ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली थी, वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी ही जात। एक मील समुंदर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली फिर, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी ही जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र, पर्वत की जो रुक्या समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करता हारे। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़े। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार, हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़े। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार, पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार, पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लग्या वो पांडा रोवे, कोड लग्या वो पांडा रोवे, और काया का गल गया सब साम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धो पांडे ने पिए, चरण धोकर पांडे ने पिए, जो की तो फिर होगी खाल। और कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ पर छुआ छात की न चाल चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए, जो की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहाँ
पंडा गुलाम राम पाल। जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल, एक पतल में दोनों जिम्मे पंडा गुलाम राम पाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम, इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अपनात्माओं, आज तक हमारे को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं, लेकिन आत्मा भगवान के लिए उसी दिन से तड़प रही है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ कर आई है। और आज परमात्मा ने उस ज्ञान को ऐसा निखारा है, ऐसा उभारा है कि अब इस कलयुग में ये कोई भी इसको उलझा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। और जिनको भगवान की भक्ति करनी होगी वो भक्त पार बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें दिशा ठीक मिली नहीं थी। सभी मानते हैं, सभी संसार के जितने भी धर्म हैं सब मानते हैं परमात्मा एक है, लेकिन हमारे वर्तमान के धर्मगुरु हमारे धर्म ग्रंथों से ही परिचित नहीं हैं, और जिस कारण से हम अपना जीवन नाश कर रहे और भक्ति ना करके हम अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं। फिर भूत पितर और ना जाने कैसे कैसे कष्ट उठाते हैं। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है, और जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलेंगे, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा तब तक हम से कितना प्रयत्न भी करें, भक्ति भी करें, दान भी करें और चाहे अन्य कोई भी तीर्थ भी करते रहें, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा परमात्मा की लीला, परमात्मा की महिमा में लिखा हुआ है। परमात्मा लीला भी ऐसे ही करते हैं और हमारे सदग्रंथ भी उसको सेकंड करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, समर्थन करते हैं। क्योंकि हम जितने भी धार्मिक जो धर्म बने हुए हैं और जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, प्रत्येक अपने अपने सदग्रंथों को सही सत्य मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पुराणों को, अपने वेदों को, अपनी श्रीमद्भगवद गीता को, इनको सबको कति सत्य मानते हैं और बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन हमें ज्ञान उसके विपरीत प्राप्त है। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ को अद्वितीय बुक मानते हैं, अल्लाह का कलाम, भगवान का वर्ड, भगवान की वाणी बोल मानते हैं, लेकिन वो उससे परिचित नहीं है। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं अपने पवित्र बाइबल को, पवित्र बाइबल तीन पुस्तकों का संग्रह है, पवित्र बाइबल तीन पवित्र बुकों का संग्रह है, जिसमें एक है तौरेत, दूसरी जंबूर और तीसरी इंजिल। इन तीनों को इकट्ठा जलत करके इसको बाइबल कहा गया है। और इसमें प्रथम ही यानी उस तौरेत के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उसके अंदर पहले अध्याय में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य सब सृष्टि और रचना करके पृथ्वी बना के जल जंतु सब बना करके, उसके बाद मनुष्य कहा कि मैं अपने जैसा बनाऊंगा, और ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न कर दिया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और किसी भी उसने पूछ लो, आप ईसाई धर्म के श्रद्धालु को पूछ कर देखो कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान कैसा है, भगवान निराकार है। और फिर वो पवित्र बाइबल क्या बता रहा है। अब ऐसे पवित्र सिख धर्म के अनुयायियों ने पूछ कर देखो कि वो परमात्मा निराकार है, और वो खुद कहते हैं नानक साहब जी धान को उपराहा करतार फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बारी धानक रूप रहा करता। और उसमें यहाँ तक वर्णन है उसके काले आँख हैं, उसका लंबा नाक है, ठुमक ठुमक कर चलता है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, सारे लिखे हैं उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1257 पृष्ठ पर।
और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर प्रश्न पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बोता भारी धानक रूप रहा करतार। और सभी ऐसे हिंदुओं से पूछ कर देखिएगा पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को और कहेंगे वो तो निराकार है भगवान और श्री विष्णु जी की मूर्ति घर पर और भगवान कैसा है दिखा अपने समाधि में अको तो निराकार है दिखता थोड़ा ही प्रकाश प्रकाश दिखता है। तो हमारे सब का ये खिचड़ी ज्ञान था हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है नर आकार है। और ऐसे मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछो परमात्मा निराकार है और फिर क्यों सातवें आसमान पर बैठा है निराकार का खाक बैठेगा जब निराकार है वो बॉडी लेस है उसका कोई शरीर नहीं है और फिर ऊपर बैठा है सातवें आसमान पर है कोई सिर पैर किसी का। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आप सबका कि आपको ऐसा अनमोल जड़ी मिल गई है ऐसा अनमोल ज्ञान मिल गया अपना कल्याण कराओ पीछा छुटवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है उसी को सत्संग मिलता है उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी प्रवेश करके बोल रहा है वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु जिसको सर्वपुरुष भी कहते हैं वो कह रहा कि अर्जुन जो इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर आश्रित हो गए हैं टिक गए हैं दृढ़ हो गए हैं वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये चार गुण उपस्थित हो जाते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची। फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो चार प्रकार के हैं अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं घर में घना धन हो जा लाभ हो बिजनेस में इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्ति के लिए धनी होने के लिए वो भी मेरे ही उपासक हैं क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं वो भी मेरे ही पुजारी हैं लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर भी त्याग देते हैं
आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर, उस ओट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी में आता है, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब उनको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, सत साधना करना और मोक्ष करवाना होता है। उनको दूसरे ये भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होता है, इन अन्य देवताओं से नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य उपासना जो करते हैं किसी देवी देवता की, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। उनको ये भी ज्ञान हो चुका है इसलिए वे किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना करते हैं इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूँ, ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कह रहा है। लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये बड़ी नेक हैं, उद्धार हैं, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा अच्छी आत्मा भी मेरे वाली अनुतम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 16, 17, 18 में ये अपने विषय में बता रहा है। 16 और 17 में तो इसने चारों का विवेचन दे दिया, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु का और ज्ञानी का। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये स्पष्ट कर देता है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये काल भगवान ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उद्धार हैं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे तक ही सीमित रहे और मेरे वाली अनुतम। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक अनुतम शब्द है, अनुतमाम। एक तो अनुतम होता है, एक अनुतमाम अति घटिया, एक उच्च, एक उच्चतम सर्वोच्च, यानी सबसे घटिया मेरी साधना है उसमें ये आश्रित हो गए। अब कहते हैं ये ज्ञानी सभी उद्धार हैं लेकिन ये मेरे वाली घटिया में अनुतम अश्रेष्ठ गति में ही श्रेष्ठ रहे। अब ब्रह्म की साधना क्या है? ओम नाम का मंत्र। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये अपनी साधना स्पष्ट करते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है, और इसका अंतिम सांस तक शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी मेरी सबसे उत्तम यानी परम गति प्राप्त होती है जो ओम से मिलने वाली है। श्री देवी भागवत 7वां स्कंद सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पर ये निर्णय दिया है देवी जी ने। राजा हिमालय को वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, वो कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दे जिसने मोक्ष चाहिए, और वो क्या बताती है कि ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, ओम नाम का जाप करो
जिस कारण से आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है, यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है और ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अब जैसे ज्ञानी आत्मा कौन थे, एक चुनक नाम के ऋषि थे, एक चुनक नाम के ऋषि थे परमात्मा पाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनु जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए सभी नकली थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा, ये सिर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें, लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया और फिर ऐसे उपकरण बनवाए, नहीं मनुष्य मेड नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी, आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम देवेश्वरी देवी, पौड़ी गढ़वाल से हैं और बड़कोट गाँव से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने जून 2016 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से पहले हमारे उत्तराखंड में वही देवी देवता वो हनुमान जी की, भैरों की, नागजा की, नरसिंह की, यही पूजा हम करते रहते थे। आप इतनी सारी साधनाएं करते थे, ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ हुए? लाभ तो हमें क्या होना था, मगर हमें पता भी नहीं था, ज्ञान तक कर हम उसमें लगे ही रहते थे कि साल में, दो साल में, तीन साल में हमारे पुराने से करके आते थे कि वो पूजो और बकरा मारो और वो ये मंडत मांगो कि मेरा लड़का हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, इसी में लगे रहते थे। हमें यही पता था कि बस ये जीवन आ रखा है तो ये करना है, परिवार की शादी शुदी करनी है और उसमें काम करते करते मर जाना है। मगर जब से हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की नाम दीक्षा ली, जब से हमें पता चला कि भगवान भी हैं, मगर हम जो अपनी एक उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे वो अज्ञानता से कर रहे थे और अब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि जो आत्मा को भी सुख शांति मिली है, परिवार में भी सुख शांति मिली है और आगे हमें भी मोक्ष का भी वो है कि हमें मोक्ष भी मिलेगा, कल्याण भी होगा। आपने बताया कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप बकरों की बलि देते थे, तो बकरों को बलि देने से क्या आपको कोई लाभ हुए? लाभ तो हमें क्या होने थे उसमें, जब हम दूसरों की जीव हत्या करेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा। मगर उस समय तो हम ये सोचते थे कि अपने लाभ के लिए जैसे तो हम उनको मारते थे। अब हमें पता चल रहा है कि जब हम उनके, वो भी प्राणी हैं, किसी के माता हैं, किसी के बच्चे हैं जैसे हमारे हैं, तो हम उन अज्ञानता से उनकी मृत्यु करते थे अपने लाभ के लिए, मगर लाभ होता नहीं था हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी के शरण में हम ऐसे आए कि टीवी में हम सब चैनल देखते थे, सत्संग आता रहता था, उसमें हम सब गुरु के सत्संग सुनते थे। अब साधना चैनल पे हमने एक दिन देखा, हमने कहा ये गुरु जी तो किताब खोल खोल के बता रहे हैं, तो हमने देखा हम हर रोज़ इसको देखेंगे। तो हमने उसमें देखा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज क्या हैं, कि वो गीता में इतने परसेंट में ये है, इतने परसेंट में ये है, सब बता रहे हैं और गुरु ग्रंथ में भी बता रहे हैं, सारे ग्रंथों को खोल खोल कर बता रहे हैं। हमने कहा सारे संत तो वैसे अपने मुंह से बोलते रहते हैं, ये कैसे संत हैं जो सब कुछ बता रहे हैं उसमें देख देख के। गीता तो हमने जानी थी कि हम हिंदुओं की गीता है, मगर हमने उसको पढ़ा नहीं था, उसमें ये नहीं जाना था क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और वेद भी हमें इतना तो पता था कि 4 वेद थे और 18 पुराण हैं, मगर हमने वो पढ़े नहीं थे ना सुने थे। गुरु जी ने जब
चारों वेद खोल खोल के हमें बताए कि हमारे बच्चे तो पांच वेद थे, एक तो काल ने समुद्र में फेंक दिया, चार वेद हमारे रह गए। तो हमने सोचा कि ये तो कुछ ना कुछ हैं। धीरे धीरे हम सत्संग 6 महीने तक मैं देखती रही। मेरे भगत जी कहते थे कि क्या देख रही है। मैंने कहा मैं सब संतों का भगवो देख रही हूँ सत्संग, मगर बंदी सुर सदगुरु रामपाल जी का एक ऐसा सत्संग है कि जो वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, किताब खोल खोल के बता रहे हैं, सब ग्रंथ बता रहे हैं, तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। तो कह रहे कैसे लूँगी। मैंने कहा उसके नीचे वो नंबर चल रहे थे, मैंने वो उतार लिए साधना चैनल से। तो मैंने उतार के मैंने सोचा कि अब चंडीगढ़ में मेरी लड़की रहती थी, मैंने सोचा मैं लड़की के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से हरियाणा तो नज़दीक पड़ेगा ही, वहाँ से नामदान ले लूँगी। मैं वहाँ पे गई तो मेरी लड़की का बच्चा होना था, बच्चा हुए 10-11 दिन हुए थे। तो तब तक दिल्ली में मेरी बड़ी वाली लड़की का दिमाग का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फ़ोन आ गया अब 12 बजे कि मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, आपको इधर आना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं उधर ही चली जाती हूँ, परमात्मा कोई मंजूर नहीं होगा हमें लेने के लिए। फिर मैं वहाँ पे मेरे को थोड़े थोड़े 20-15 दिन हो गए, फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग को आराम मिलने लग गया। फिर मैंने अपने लड़के को बुलाया, मेरा लड़का उस समय दिल्ली में रहता था। मैंने कहा बेटा मुझे गुरु जी से नामदान लेना है। तो मेरा बेटा पहले तो चिढ़ गया कि मम्मी आप कहाँ भक्तों के उसमें लगे। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे को तो ये भक्त बहुत अच्छे लगे। जब हम भक्तों के इंटरव्यू देखते हैं तो हमें लगता है कि सबके दुख काट दें गुरु जी ने, तो मैं भी दुखी हूँ, मेरे भी दुख काट देंगे। तो लड़का तो मना करने लग गया, गुस्सा हो गया। मैंने कहा बेटा आप मेरे को लेके चलोगे नहीं है, मैं पूछ पूछ के चली जाऊँगी। फिर मैंने वो कह रहा कि मम्मी कहाँ जाएंगे। मैंने कहा मैंने नंबर लिख रखा है, इसमें से फ़ोन करके पता कर लेते हैं। तो मेरे बेटे ने उसमें फ़ोन किया, फिर उसने कहा मम्मी आप भी बात करो इनसे। फिर मैंने उस फ़ोन लगा के बात किया तो वो बोले आप कहाँ से बोल रहे हो। मैंने कहा मैं तो दिल्ली से बोल रही हूँ। किस जगह पे आप हो। मैंने कहा मैं तो इस समय राम मनोहर हॉस्पिटल में हूँ, मेरे दिमाग जी का एक्सीडेंट हो रखा है और मुझे नामदान लेना है। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि दिल्ली में 2 नामदान केंद्र खोल रखे हैं, एक तो तुगलकाबाद में है और एक द्वारका सेक्टर में, तो आपके लिए कौन सा नज़दीक पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ से तो द्वारका सेक्टर ही नज़दीक पड़ेगा। तो आप उन्होंने फिर मम्मी वहाँ तो द्वारका सेक्टर का नंबर दिया। फिर हमने वहाँ फ़ोन किया, फिर वहाँ से एक भगतमती ने हमें बताया कि आप ऐसा ऐसा करो, यहाँ पे एक मंदिर है उससे गली से सीधे आके यहाँ यहाँ पे आ जाना और हम नामदान आपको दे देंगे। तो फिर मैंने दमाद से फ़ोन दिया कि आप इनसे बात करो और ये लड़के को बताओ कि कहाँ कहाँ पे जाना है, क्या जाना है। फिर उसको बताया कि आप ऐसे ऐसे चले जाना और वहाँ से एक मंदिर पड़ेगा उसमें उतर के सीधे चले जाना आगे। फिर मेरा लड़का तैयार हुआ कि मम्मी चलो मैं तुम्हें नामदान दिला के आता हूँ। फिर हम वहाँ पे गए, पूछते पूछते हमें आधा घंटा हो गया। फिर हमने दोबारा फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने कहा आप कहाँ पे हो। हमने कहा थे तुम थोड़ा ही दूर में ही। उन्होंने कहा स्कूल पे आ गए। हमने कहा स्कूल पे आ गए तो थोड़े आगे आ जाओ। फिर हमें वहाँ पे वो मिल गए। फिर वहाँ पे गए, उन्होंने हमें समझाया कि आप ऐसे ऐसे कर लोगे। हमने कहा बिल्कुल कर लेंगे, जब यहाँ पे आ रखे हैं तो नामदान तो लेंगे ही लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा कि कबीर साहब परमात्मा है। हमने कहा हाँ, बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बता दिया और ये हमें चौथे क्लास से ये कबीर साहब के दोहे तो हमें खूब याद आते हैं कि हम सब स्कूल में ये कहते थे कि कबीर साहब के दोहे ही सबसे अच्छे हैं। तो हमें उस समय तो पता नहीं था, ये बच्चे थे कि क्या है क्या नहीं है, मगर जब बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें कबीर साहब के बारे में पूरा बताया तो हमने कहा वो सच्चे में ही परमात्मा होंगे और धरती पर अवतार करके रामपाल गुरु जी के शरीर में आ रखे हैं, क्योंकि वो दोहे हमसे चौथे क्लास से ही अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो आप ले लोगे। मैंने कहा हम ले लेंगे। तो फिर मेरे लड़के से भी कहा कि बेटा आप भी ले लो। लड़का बोला कि आंटी जी मैं तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं तो होटल लाइन में हूँ और हमारे यहाँ तो सब ये चीज़ बनती है। तो वो भगवती जी बोले कि आप ऐसा करो बेटा कि नाम ले लो और गुरु जी अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे। मगर मेरे लड़के ने तो कभी देखा नहीं है सत्संग, ना सुना टी वी में। तो मैं उससे कह रहा था कि बेटा ले लो ले लो। कह रहा नहीं मम्मी पहले आप ही ले लो फिर मैं भी लूँगी। मगर बेटा मुझे तो लेना ही लेना है। आपने बताया कि आप बहुत सारे संतों के सत्संग टीवी चैनल पर देखते थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग देखा और आपको अच्छा लगा, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा भी ली। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप ऐसे संत से नाम दीक्षा ले रहे हैं जो अभी जेल में है? नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि हम सत्संग 8-10 महीने हमने सत्संग देखा सुना और हमने ये भी हमें पता था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी भी जेल में ही थे। सच्चाई के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा।
लोग कहते हैं कि वो तुम्हारे गुरु जी तो जेल में, हम जेल में तो हम हैं, काल के जेल में जो फंसे पड़े हैं, हमारे गुरु जी जेल में नहीं है। सच्चाई के लिए तो करना पड़ेगा, सच्ची कहूँ तो जग न माने, झूठी कहीं न जाए। हमारे गुरु जी सही कहते हैं, अगर सच्ची बोलेंगे तो कोई इस काल के जाल में किसी को अज्ञात नहीं आएगी कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, और झूठे बोलेंगे तो झूठे के तो जल्दी से वो हाँ कर लेंगे। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरु जी जेल में नहीं है, जेल में तो हम हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जी जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? बंदी चोट सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से हमारे घर में बहुत सुख शांति हुई। मेरे भगत जी बहुत दारू पीते थे, उनका दारू भी बहुत कम हो गया, और वो भी चैनल देखते रहते हैं। जब लाइट नहीं रहती तो कहते हैं अपना गुरु जी का सत्संग लगाओ, और जहाँ मैं जाती हूँ सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की, उसमें तो कभी भी मेरे लिए मना नहीं करते हैं। इतनी तो गुरु की दया है, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल तो आदमी घर से बाहर अपनी बीवी को जाने नहीं देंगे, मगर ये गुरु जी की कृपा है कि जो कहीं जाने के लिए मेरे मना नहीं करते। और मुझे जब तक मैं आती नहीं हूँ गुरु जी पर विश्वास रहता है कि मुझे उनसे विश्वास नहीं रहता कि मैं जा पाऊँगी। आज भी मैंने देखा कि 3:30 बजे तक मैं घर पर ही थी, और 3:30 बजे के बाद भी मैं यहाँ पर आ ही गई, तो वो गुरु जी की कृपा है, हम आ नहीं सकते थे। नहीं तो पहले मैं डर लगता था, जंगलों में जाते थे शोर मचाते रहते थे कि भाई कहीं ना कहीं से तो भालू आ जाएगा, शेर आ जाएगा, खा जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, मगर अब हम बिल्कुल निडर होके जाते हैं। भालू हमें मिल जाता है, शेर हमें मिल जाता है, और हम एक ही आवाज़ में लगा के उसे वो भाग जाता है। हम गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर इतनी है, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, हम बिल्कुल निडर होकर जंगलों में जाते हैं। ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है हमारे ऊपर, जो हम निडर होकर जंगलों में जाते हैं और शेर भालू से लड़ जाते हैं। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जन समुदाय को संदेश तो क्या दे सकते हैं, मगर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। उत्तराखंड में जितने भी भाई बहन हैं वो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में जाएँ, उनसे नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण करवाएँ। और भी बहुत सारे साधु संत हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही जाने के लिए क्यों संदेश दे रहे हैं? इसलिए संदेश दे रहे हैं कि जितने बाबा लोग बैठे हुए हैं वो तो साधु विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं हमें, उनसे कोई लाभ नहीं है। हम अपने हमारे यहाँ भी हैं, राधा स्वामी में भी है भगत था, वो भी 15 साल उसमें रहा, अब हमारे से खुद कह रहा है कि हम भी तुम आपके गुरु जी के शरण में आएंगे। हमने कहा हमारे गुरु जी के शरण में आ जाओ, क्योंकि वो किताबों को खोल खोल के बताते हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, और सारे उनको मिला रहे हैं जिनके पास है गीता हो, और हम भी देख रहे हैं कि एक एक पेज खोल खोल के गुरु जी हमें बताते हैं। और हम अपने सारे गढ़वाले भाइयों को ये कहते हैं कि तुम एक उसमें देखो तो सही कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। इतने बाबा बैठे हुए हैं, सत्संग सबका आता है, मगर कोई किताब खोल के नहीं बताता, सब अपने मुँह से ही बोलते हैं। और हमारे गुरु जी तो शास्त्र खोल खोल के बताते हैं हमें, जब से पता चला है कि देवी भागवत गीता में क्या है, विष्णु पुराण में क्या है। पहले हमें ऐसे भागवत में हम भी चले जाते थे और सुनते थे, बस वो सुन लिया कि जो उन्होंने कह लिया मनमाना आचरण, सुन के घर आ जाते थे। मगर अब हमें भी पता चला कि हमारे गुरु जी शास्त्र अनुसार बता रहे हैं, गीता में भी और बाइबल में भी कुरान में भी। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जो दीक्षा नाम दीक्षा लेने चाहते हैं वो साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 तक हमारा गुरु जी का सत्संग आता है। और हम साधना चैनल वालों से भी यही कहेंगे कि वो बार बार हमारा गुरु जी का सत्संग चलाएं। और जितनी भी गढ़वाल की माया भाई बहन हैं उनमें नीचे पीली पट्टी आती है, उनमें उनके नंबर रहते हैं, और नंबर पर फ़ोन करके जगह जगह गुरु जी ने नामदान स्थान खोल रखे हैं, वहाँ जाके पता करें और नामदान लें, अपना कल्याण करवाएँ। धन्यवाद। सच्चाई।